हेलो एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। आई होप आप सब अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। सो माय नेम इज़ अदिति। ये हम लोग की ऑसम टीम है, ये हम लोग के जितने भी कोर्सेज हैं दैट वी आर ऑफरिंग, मैं बार बार बताती रहती हूँ। फर्स्ट लेक्चर इसका हो चुका है आज, जो हमने इससे पहले जो हमने कल के लिए किया था, दैट इज़ क्लास सिक्स का नोइंग आर नंबर्स, राइट। सो दैट इज़ ऑल ऑन दिस चैनल, ऑन यूट्यूब चैनल, दैट इज़ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, राइट। अब इसके बारे में मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, लाइक दिस इज़ फॉर द ऑनलाइन जितने भी हम लोग के वीडियोज़ चल रहे हैं, राइट। तो ये सब तो वीडियोज़ के बारे में है, बट देर आर सर्टन पैकेजेस एज वेल। सो यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड होगा एज वेल एज स्टडी मटीरियल। स्टडी मटीरियल वही लेवल का है जो यहाँ पर हम कोटा में प्रोवाइड कर रहे होते हैं, दूसरे जितने भी कोचिंग्स में, यहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग्स में जो भी कोर्सेज चल रहे होते हैं या जो भी स्टडी मटेरियल होता है वो अब आपको इस प्राइस में, राइट। और एक्चुअली इस प्राइस से भी और कम हो जाएगा जब आप ए वी लाइव यूज़ करेंगे, ए वी लाइव कोड यूज़ करेंगे, इट विल कम अप टू 6300। तो 6300 में बेसिकली आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा, दैट इज़ स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, क्विजेज, टेस्ट रिजल्ट एंड एज वेल एज यूट्यूब वीडियोज़, तो इसके अंदर एडिट है ही सही, राइट। सो दैट ऑल इन जस्ट 6300, यू कैन पे अकॉर्डिंग टू योर विश, दैट इज क्रेडिट डेबिट, आपके अकॉर्डिंग आप पे कर सकते हैं। आफ्टर पेइंग यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम आर एग्जीक्यूटिव हियर, यहाँ से वो आपको बता देंगे कितने दिन में किस मोड से आपके पास आपका स्टडी मटीरियल पहुँचने वाला है। फर्दर इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉल इन दिस नंबर, दैट इज 9549041111, लाइक 1111, राइट। सो आप इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन है तो। Now about the DPPs, you can have on our Telegram channel, ये हमारे Telegram channels हैं, आपको Telegram app को download करना है, यहाँ पर ये channels आपको मिल जाएंगे, search for it, join us there and then you can have the DPPs there, right? वहाँ पर आपको DPPs मिल जाएगी। Then knowing our numbers, lecture 1, class 6 का first chapter, हम लोग first lecture कर चुके थे, अभी हम लोग को second lecture से start करना है। Before starting, take the promise and then we'll start with the चैप्टर, आगे का जो चैप्टर है उससे हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज लेक्चर 2। बेसिकली आज जो है वो लेक्चर 2 है, फर्स्ट हम कर चुके हैं, तो ये सब हमने कर लिया था, मेकिंग नंबर्स वगैरह ये सब मैंने बता दिया था, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, दिस ऑल वी डिड। अब आज जो हमें पढ़ना है, आई होप कि आपने ये क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए हैं, ये कुछ तो मैंने करा ही दिए थे बट कुछ आपने मैंने आपके लिए ही छोड़े थे, तो आई होप आपने वो सब कर लिए होंगे, ये सब क्वेश्चंस जो मैंने छोड़े थे वो आपने कर लिए होंगे आई होप, राइट। सो टुडेज लेक्चर इज लेक्चर 2। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी के ऊपर ही, राइट। सो बेसिक ये एक चार्ट है जो हमें लर्न होना, लर्न हो तो बहुत ही बेहतर है, तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे, नहीं होगा तो याद तो प्रॉब्लम है। अब देखो यहाँ पे 1, 10, 100,000, हमको डिफरेंस कहाँ से दिख रहा है, 10,000 तक एवरीथिंग इज सेम, डिफरेंस कहाँ से दिख रहा है, ये रहा, दैट इज लैक्स बिकम्स 100,000, और ये लैक्स की फैमिली में आ जाता है, दिस इज स्टिल इन द 1,000 फैमिली, क्योंकि हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि इंटरनेशनल सिस्टम में हर एक फैमिली के अंदर, हर एक पीरियड के अंदर 3-3 मेंबर्स हैं, राइट। इसलिए जब हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं कॉमा लगाना, सॉरी राइट हैंड साइड से, मतलब फ्रॉम द एंड अगर हम स्टार्ट करते हैं कॉमा लगाना तो 3-3-3 का ग्रुप आता है, वेर एज इंडियन सिस्टम में ऐसा नहीं होता, जब हम स्टार्ट करते हैं तो 3 डिजिट्स का रहता है, उसके बाद 2 2 2 डिजिट्स आता रहता है, राइट। सो दैट इज द डिफरेंस, लैक्स के बाद 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़, एरर्स एंड 10 एरर्स। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं वो भी हमें पता लग जाएंगे, लाख में 6 होते हैं, यहाँ पे 100,000 में 6 डिजिट्स होते हैं, राइट। सो ऑब्वियसली नंबर ऑफ जीरोज हो गए, वो एक कम हो गया, उसके अंदर 5 हो गए। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट इंडियन एंड इंटरनेशनल जो न्यूमरेशन सिस्टम होता है वो, जो हमें पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि किस तरह से होता है, राइट। इसी पे बेस्ड अपन कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इंडियन सिस्टम से अगर आपको याद होगा तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे इंडियन सिस्टम के, यानी कि वी वर सपोज टू चेंज द फिगर्स इंटू वर्ड्स एंड वर्ड्स इंटू फिगर्स, वो हमने लास्ट लेक्चर में किया था इफ़ यू रिमेंबर। तो हम आज अभी इंटरनेशनल सिस्टम करेंगे, राइट, वील बी डूइंग इंटरनेशनल सिस्टम टूडे। सो अब इसको मुझे वर्ड्स में लिखना है, दैट इज दिस फिगर आई एम सपोज टू राइट इन द वर्ड्स, तो आई होप इट इज विजिबल, दिख तो रहा है ना, हाँ ठीक है। सो दिस इज 6-2-1-0-1-1, तो अब 3-3 का गैप है, 3-3 डिजिट्स हैं, राइट। तो इसका मतलब ये क्या हुआ
कि इंटरनेशनल सिस्टम में ये तो मुझे पता लग ही गया. अब हाउ एम आई गोइंग टू राइट दिस, दिस इज द फैमिली ऑफ व्हाट वंस एंड दिस इज ऑफ थाउजेंड्स. तो मैं ऐसे ही लिखूंगी 600, आई विल बी राइटिंग एज 600, 21,000, 621,000 and 11, because it is just 11 in the end. यहाँ पे zero है तो obviously उसको हम कैसे mention करेंगे, right? So this is how we'll write this. इसको लिखते हैं अब अपन. So see now, अब इसको अपन देखते हैं. तो यहाँ पे this is what, this is ones family, then this is thousands family, this is millions family, and million के बाद आता है billion. If you have noticed it here, ये देखो million के बाद किसकी family है, billion की, right? तो अब यहाँ देखते हैं अपन, this is ones, thousands, millions and billions. तो उसी से अपन start करते हैं, right? तो ये कितना हो जाएगा, 600, दोनों में 6 आ गया, good. 641 billion, then 496 million, then it is 832,623. सारे नंबर्स लिखवा लिए इसने, तो बड़ा सारा था ये, तीन लाइंस में आया. ये इसका सिर्फ नाम है, सोचो इस नंबर का इतना बड़ा सारा सिर्फ नाम है, क्या मतलब. अब नेक्स्ट, दिस इज फॉर वंस, दिस इज फॉर अगेन थाउजेंड्स एंड दिस इज फॉर मिलियंस. ठीक, तो अब मैं इसको लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, ये 12,871,871,000 and 7, only 7 आएगा क्योंकि सिर्फ वंस प्लेस पर ही है, आगे टेंस और हंड्रेड प्लेस पर कुछ भी नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली बस 7 लिख देंगे उसके अंदर. इज दिस क्लियर चिल्ड्रन, क्या ये समझ में आया. आगे करें, आई होप आपने उतार लिया, साथ में कर भी रहे होंगे. नेक्स्ट, अब इसमें मुझे क्या करना है, इनको ये जो वर्ड्स में लिखे हुए हैं इसको मुझे फिगर्स में चेंज करना है. सो लेट स्टार्ट, दिस इज 65 मिलियन, 65 मिलियन है, इसका मतलब 65 ये लिख दिया मैंने, 65 मिलियन है, 100 में आ ही नहीं रहा है. देन इज 50,000, यानी कि यहाँ जीरो होगा एंड दिस विल बी 50,000, क्योंकि थाउजेंड में तीन डिजिट होते हैं तो 100 वाला कुछ है ही नहीं यहाँ पे. सो 50,000 एंड 10, 100 प्लेस पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब दिस इज हाउ इट विल बी रिटन, ये इस तरह से लिखा जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है, 203 मिलियन, फाइन, 203 मिलियन, 105,000 and 69.
69. दिस इज हाउ इट विल बी रिटन. 333 का यहाँ पर भी मेंबर्स रहेंगे, नंबर्स रहेंगे, यहाँ पर भी 333 डिजिट, सॉरी. और उसमें क्या हो रहा होगा, जहाँ पे भी यहाँ पे ये नहीं दे रखा है, ज़ीरो के लिए नहीं दे रखा है, तो मैं उसको ज़ीरो ही मानूंगी. मतलब यहाँ पर नहीं दे रखा है, इसी तरह से दे रखा है 203 million. तो 3 million है, इसका मतलब वो यहीं पर ही आ रहा होगा. यहाँ इट हैज़ टू बी लाइक इट इज सपोज टू बी ज़ीरो. सो आई हैव पुट दैट. सो शैल वी मूव ऑन. नेक्स्ट इज राउंडिंग ऑफ, एस्टिमेशन ऑफ नंबर. अब बेसिकली एस्टिमेशन का यूज़ क्या है, वील टॉक अबाउट. मतलब बेसिकली हम आज के लेक्चर में एक तो एक दो क्वेश्चन मुझे करवाने ही थे. इसके अलावा हम लोग क्या कर रहे होंगे, वील बी स्टडिंग अबाउट एस्टिमेशन. सो एस्टिमेशन का इम्पॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ के अंदर, एवरीडे लाइफ के अंदर. तो दैट इज़ वेरी ईजी. देखो, जब भी आप ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए गए, लेट से राइट टू द मार्केट, एंड लेट से कोई अमाउंट आया, लाइक लेट से ए, जस्ट अ सेकेंड, ओके. सो लेट से ए कमोडिटी केम ऑफ 38 rupees, ठीक है, ₹38. देन बी कमोडिटी केम ऑफ 27 rupees, राइट. सी कमोडिटी केम ऑफ 12 rupees. सो नाउ योर फ्रेंड, यू एंड योर फ्रेंड, यू मेट योर फ्रेंड एंड ही आस्क, ही और शी आस्क कि कितना आपने स्पेंड किया, राइट. मतलब कितना एक्सपेंडिचर था आपका ओवरऑल. तो आप क्या बोलेंगे, वुड यू सिट देयर एंड काउंट 8 + 7 + 2 और इन सबको ऐड करके. नो, हम डायरेक्टली क्या बोल देंगे, इसको राउंड ऑफ 38 किसके पास होता है, 40 के पास. वील राउंडेड ऑफ टू 40. 27 को मैं कर दूंगी 30 एंड दिस इज क्लोजर टू 10. तो मैं क्या बोल दूंगी कि राउंड अबाउट 80 rupees का खर्चा कर दिया, ठीक है, लमसम 80 rupees का खर्चा हो गया, राइट. या फिर आप मान लो यू वेंट टू शॉपिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट. सो मान लो टी वी आया 47,500, ठीक है. देन ए सी आया सेम 59,623 का, राइट. सो अब अगर आपसे पूछा जाए ओवरऑल हाउ मच अमाउंट डिड यू स्पेंड, ओवरऑल आपने कितना स्पेंड किया, तो आप क्या बोलेंगे, 60 + 50,000, लाइक 60,000 + 50,000 कर देंगे आप, राइट. तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज राउंडिंग ऑफ. बेसिकली आप इसको क्या कर रहे हैं, राउंड ऑफ करके फिगर को बता रहे हैं. यू आर नॉट एडिंग द एक्चुअल डिजिट्स. एक्चुअल डिजिट्स को हम ऐड नहीं कर रहे हैं, बट क्या कर रहे हैं, हम उसको राउंड ऑफ करके ओवरऑल एस्टिमेशन बता रहे हैं कि यार लगभग इतना खर्चा हो गया होगा, ठीक है, लगभग 100 rupees हो गए होंगे. या लेट से आपका 97 rupees का खर्चा, तो आपसे 100 rupees तक का खर्चा हो गया, या इस तरह से थिंग्स लाइक दैट. सो एस्टिमेशन इज यूज देयर, राइट. अब एस्टिमेशन करने के देर आर सर्टेन रूल्स दैट हाउ यू सपोज टू डू द एस्टिमेशन. एस्टिमेशन भी हम कैसा ही नहीं कर सकते. सो वॉट आर द रूल्स ऑफ एस्टिमेशन. सी, इफ द नंबर्स आर बिटवीन 0 to 4, ठीक है, 0 to 4 अगर नंबर है, या 0 तो ऑलरेडी राउंड ऑफ ही होता है, 0 को तो आपको वो नहीं करना होता, बट 1 to 4 अगर नंबर है, राइट, तो उसको आपको चेंज, लाइक यू डोंट हैव टू सम इट अप, उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. वो क्या रहेगा, वो 0 अपने आप बन जाएगा, ठीक है, उसका कोई एडिशन कैरी फॉरवर्ड आगे नहीं जा रहा होगा, वो एज इट इज रहेगा. फॉर एग्जाम्पल कैसे, लेट्स से इफ आई रोट 24, ठीक है, अब मुझे इसे राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 4 है, तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, डायरेक्ट आई कैन राइट इट 20. क्यों, क्योंकि 24 इज क्लोजर टू 20 एंड नॉट 30. ये 30 के क्लोज नहीं है, दिस इज क्लोजर टू 20, राइट. तो मैं क्या कर दूंगी, इसको ओवरऑल 20 कर दूंगी, हो गया ये. बट इफ ऑन द लाइक राइट मोस्ट साइड पे अगर मेरे पास क्या नंबर है, नॉट ऑन द राइट मोस्ट साइड पे, जहाँ जिस भी प्लेस वैल्यू पे हम लोग राउंड ऑफ कर रहे हैं, उस प्लेस वैल्यू पे, लेट से इफ इट इज बिटवीन, इफ इट इज 5 to 9,
ठीक है, तब क्या होगा, नंबर जो है वो जीरो तो होगा ही, जो भी नंबर दे रखा है, बट इसका कैरी फॉरवर्ड आगे भी चला जाएगा। किस तरह से, इफ आई रोट 57, ठीक है, अब मैंने 57 लिया तो इसके अंदर क्या होगा, राउंड ऑफ करने, मुझे किसको राउंड ऑफ करना है, 7 को राउंड ऑफ करना है। तो मैं क्या करूँगी, 7 की जगह पर, 7 की जगह पर तो ज़ीरो आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर, बट अभी क्योंकि दिस इज 5 to 9, मतलब 5, 6, 7, 8, 9 वाले सेकेंड ग्रुप में आ रहा है, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे मैं क्या कर दूँगी, प्लस 1 कर दूँगी, तो ये क्या हो जाएगा, 60। ठीक है, जब भी नंबर जब हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, जिस भी नंबर प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, अगर उस प्लेस वैल्यू पर 1 से लेकर 4 तक के कोई डिजिट्स हैं तो कोई एडिशन, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा होगा, वहाँ पे बस उस नंबर को हम ज़ीरो लिख देंगे डायरेक्टली। बट इफ़ इन केस जिस भी प्लेस वैल्यू पर हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, वहाँ पर अगर 5 से 9 तक के बीच में कोई नंबर, या 5 to 9 इंक्लूडिंग 5 and 9 अगर नंबर आते हैं, तो फिर उसके अंदर क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग नंबर है वो तो ज़ीरो होगा ही, लेकिन उसके पहले वाले नंबर पे क्या हो जाएगा, यानी कि एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और वो दैट विल बी प्लस 1। एक एग्जांपल और लेके बताती हूँ मैं, लेट्स से इफ आई सेड 50 और लेट्स टेक 20, आई सेड 35, अब 35 को मुझे राउंड ऑफ करना है, 35 ना तो मतलब लाइक इट इज़ क्लोजर टू 30 एज वेल एंड 40 एज वेल, बराबर क्लोज है, पर इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगेन इसमें भी प्लस 1 होगा, इट इज़ जस्ट 1, 2, 3, 4 नंबर्स जिनका कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा होगा, तो मैं इसको कैसे लिख लूँगी, 5 की जगह पर तो क्या आ जाएगा 0, राइट, एंड 3 की जगह पर क्या आ जाएगा 4, प्लस 1 हो जाएगा इसके अंदर, प्लस 1 हो जाएगा, इज़ दैट क्लियर चिल्ड्रन। तो क्या हम समझ गए कि किस तरह से कैरी फॉरवर्ड हो रहा होगा, किस तरह से एस्टिमेशन, बेसिकली इसका क्या रूल है, 2 रूल्स हैं इसके, जिस भी प्लेस वैल्यू पर आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं, से टेंस राउंडिंग ऑफ टू टेंस प्लेस और 100 प्लेस और 1000 प्लेस और 10,000 प्लेस, जहाँ तक भी हो रहा है, वहाँ पर उस प्लेस वैल्यू पर आपको देखना होगा, इफ़ द नंबर इज 1, 2, 3 और 4 राइट, देन देयर वोंट बी एनी चेंज, द नंबर वुड बिकम 0 एंड ऑल द नंबर्स आफ्टर दैट वुड बिकम 0, बट देयर वुड बी नो कैरी फॉरवर्ड। बट इफ द नंबर्स आर फ्रॉम 5 to 9, 5 including 5 and 9, इफ इट इज सो देन देयर वुड बी अ कैरी फॉरवर्ड एंड द नंबर्स, ऑल द नंबर्स आफ्टर दैट वुड बिकम 0, राइट, ये एक बेसिक इसका लॉजिक होता है। तो अब अपन देखते हैं टेंस में, अब ये तो मैंने आपको टेंस प्लेस पर बता दिया, ठीक है, टेंस प्लेस पर किस तरह से हो रहा होता है, टेंस प्लेस पर क्यों, देखो यहाँ पे 2 ही नंबर है मेरे पास, 2 ही डिजिट्स हैं, तो डेफिनेट सी बात है जब भी मैं टेंस प्लेस पर राउंड ऑफ करना चाहूँगी, तो टेंस प्लेस पर राउंड ऑफ करने का मतलब है कि मैं कौन से नंबर को देख रही हूँ, वंस प्लेस वाले को, वंस प्लेस वाले को देख करके ही मेरे मैं टेंस प्लेस वाले नंबर को चेंज कर पाऊँगी, राइट, जब मैं इस नंबर को देखूंगी तभी मैं टेंस प्लेस वाले नंबर को चेंज कर पाऊंगी। सिमिलरली 100 प्लेस पे अगर हम देखते हैं तो 100 प्लेस पे भी वही होता है, लेट्स से इफ आई टुक अ नंबर 324, ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया 324, अब इसके अंदर 324 के अंदर वो बोलता है कि 100 प्लेस पे मुझे राउंड ऑफ करना है, ठीक है, राउंड ऑफ करना है 100 प्लेस पे, तो दिस इज माई 100 प्लेस, बट इस प्लेस पे राउंड ऑफ करने के लिए मुझे नंबर कौन सा देखना पड़ेगा, द नंबर विच इज ऑन टेंस प्लेस, जो टेंस प्लेस पे नंबर है मुझे उसके अकॉर्डिंग इस 100 प्लेस वाले को चेंज करना पड़ेगा, राइट, तो अब मैंने देखा कि यहाँ पर तो 2 है, इसका मतलब दिस कम्स इन दिस पार्ट, तो यहाँ पे कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा होगा, तो सिंपली दिस नंबर वुड बिकम वॉट 3 एज इट इज रह जाएगा, 2 and 4 वुड बिकम वॉट 0, राइट, दिस इज इट, मतलब इस तरह से होगा ये। एक और नंबर लेके देखते हैं अपन, लेट्स से 1, 4, 9 and 6, ठीक है, अब इसको भी मुझे 100 प्लेस तक करना है, इसको भी मुझे 100 प्लेस तक करना है, बट यहाँ पे डिजिट्स तो 4 है, मतलब कि 1000 प्लेस तक है, पर मुझे बोला गया 100 प्लेस तक ही देखना है, तो ये रहा मेरा 100 प्लेस, पर इसमें चेंजेस लाने के लिए मैं किसको देखूंगी, जो टेंथ प्लेस पर है उसे, टेंथ प्लेस पर मुझे पता है कि दिस इज 9, इफ दिस इज 9 तो इसका मतलब यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो गया इसका,
यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो गया. अब समझो कि ये जो नंबर है ये एज इट इज रहेगा, देयर वोंट बी एनी चेंज इन दिस. इस वन नंबर के अंदर कोई चेंज नहीं होगा. फोर, फोर वुड बिकम व्हाट, फाइव. फोर जो है वो फाइव बन जाएगा. उसके बाद वाले जो दो नंबर्स हैं दैट विल बी जीरो, वो जो है वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे. दिस इज द बेसिक आइडिया फॉर दिस. समझ गए हम कि 100 प्लेस तक कैसे होगा. अब 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, ये सब ऐसे ही होने वाले हैं. ठीक है, ये देखो, दिस वॉज टू नियरेस्ट टेंथ प्लेस, दिस वॉज टू नियरेस्ट टेंथ प्लेस, राइट. नियरेस्ट 100, अब नियरेस्ट 1000 देखते हैं अपन. सी दैट इज टू नियरेस्ट 1000. सेम एग्जाम्पल या दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं, 2, 4, 6, 8. ठीक है, इसको मुझे 1000 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है. अब 1000 प्लेस मींस 1000 प्लेस मेरा ये रहा, ठीक, 1000 प्लेस मेरा ये रहा. अब उसमें राउंड ऑफ करने के लिए हम सपोज टू सी विच नंबर, नंबर विच इज ऑन 100 प्लेस, उससे एक पहले जो नंबर आ रहा है. अब मुझे पता लगा कि यहाँ पे तो 4 है, सो दैट इज 1, 2, 3, 4 वाले ग्रुप में. दैट मीन्स देर वोंट बी एनी चेंज, देर वोंट बी एनी कैरी ओवर. कैरी ओवर कुछ नहीं होगा. नंबर कैसे हो जाएगा, 2 वुड रिमेन सेम, 2 में कोई चेंज नहीं, 2 एज इट इज. उसके बाद वाले जितने भी नंबर्स हैं वहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल जस्ट बिकम सिंपली 0. वो सिंपली क्या हो जाएंगे, 0 बन जाएंगे, राइट. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. लेट्स से 5, 9, 2, 3, राइट. और एक और एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, इसके अंदर 4, डायरेक्टली इसी में पता लग जाएगा. सेम लॉजिक, इसके अंदर भी 10,000 प्लेस तक है, लेकिन करना मुझे सिर्फ 1000 प्लेस तक ही राउंड ऑफ है. तो 1000 प्लेस तक करने के लिए इसका मतलब हम सपोज टू सी द 100 प्लेस वाला नंबर, 100 प्लेस वाला नंबर इज 2, सो नो चेंजेस. देयरफॉर 5 जो है वो एज इट इज रहेगा. 9 में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि 100 प्लेस पे मैंने देखा क्या है, यहाँ पे 2 है, सो नो चेंज अगेन. सो दिस वुड बिकम व्हाट, दिस वुड बिकम 9 अगेन. और उसके बाद के जितने भी डिजिट्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे. सो दिस बिकम्स राइट. तो ये हो गया मेरा राउंड ऑफ. इसको मैं 59,234 को मैं राउंड ऑफ कर सकती हूँ किसमें. वैसे भी हम अगर देखें तो 59,234 इज क्लोजर टू 59,000. मतलब बेसिक लॉजिक भी यही कहता है कि दिस इज क्लोजर टू 59,000. बट अगर मुझे स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि आई एम सपोज टू सी इट अकॉर्डिंग टू व्हाट, 200 प्लेस और 1000 प्लेस और 10 प्लेस, तो मुझे इस तरह से इसको देखना होगा. इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? ये बेसिक लॉजिक है इसके. फिर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिविजन पढ़ेंगे इसके अंदर कैसे होगा. इज दिस क्लियर? Let's move forward. Okay. So now we'll study about the estimation of subtraction and addition. अब देखो, subtraction और addition का एक बहुत ही basic logic होता है कि इसके अंदर या तो question में आपको given होगा कि आपको किस degree तक, मतलब किस degree तक आपको उसको estimate करना है या किस place value तक you're supposed to estimate it. अगर नहीं दिया हुआ है, if it is not given, then you have to do it how, according to the number of digits. ठीक है, अब देखो सबसे first point में हम देखते हैं कि यहाँ पे number of digits कितने हैं, 3 हैं. अब देखो यहाँ पे it is not given कि up till which place value you are supposed to round off. नहीं दिया हुआ, first point हमने check कर लिया. second हम check करेंगे number of digits. अब यहाँ पे number of digits same है, ठीक है, तो simply 100 place तक है, तो यानी कि मैं 100 प्लेस तक उसको राउंड ऑफ कर दूंगी. जो भी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू होती है, जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स है उसमें हाईएस्ट प्लेस वैल्यू मेरे 100 दिख रहे हैं, तो मैं 100 प्लेस वैल्यू तक इसको राउंड ऑफ कर दूंगी. वेयर एज इफ यू सी इन द फोर्थ ऑप्शन, तो यहाँ पे क्या है, प्लेस वैल्यूज सेम नहीं है. यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स 3 हैं, तो मुझे जो राउंड ऑफ करना होगा वो स्मॉलर नंबर ऑफ डिजिट्स जो है ना उसके अकॉर्डिंग करना होगा. एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ मैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज गिवन 5, 4, 6, 9 प्लस 2, 3, 7,
ठीक है, इस तरह से मुझे एडिशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो सेम नहीं है, नंबर ऑफ डिजिट्स सेम नहीं है, तो मैं राउंड ऑफ किसके अकॉर्डिंग करूँगी, इस स्मॉलर नंबर के अकॉर्डिंग। स्मॉलर नंबर इज हाईएस्ट क्या है इसका, 100 प्लेस तक राउंड ऑफ हो सकता है क्योंकि 1000 है ही नहीं, तो यहाँ पर भी मुझे 1000 प्लेस तक ना करके 100 प्लेस तक ही राउंड ऑफ करना होगा। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर, राइट। ऐसा नहीं है कि इसको 1000 प्लेस तक कर दिया, इसको 100 प्लेस तक कर दिया और ऐड कर लिया, नो दैट विल बी रॉन्ग, राइट। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम इस बेसिक चीज का ध्यान रखते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी यही होगा, मुझे देखना होगा कि जो स्मॉलर मतलब जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कम है, मुझे उसी के अकॉर्डिंग ही दोनों नंबर्स को क्या करना है, एस्टिमेट करना है। तो यहाँ पे अगर 100 प्लेस है, यहाँ पे भी देखना पड़ेगा, दिस इज 6 है, इसका मतलब बड़ा हो गया, तो ये कितना हो गया 5, यहाँ पे एडिशन हो गया प्लस 1 का, कैरी हो गया एंड बाकी के दो नंबर्स एज इट इज। यहाँ पे भी 3 देखा तो दिस बिकम्स 200, तो कितना हो गया मेरे पास 5700, ये इस तरह से एस्टिमेट हो जाएगा। तो सिमिलर चीज़ अपन यहाँ पर भी देखते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अब 208 है और 536 है, मतलब कि दोनों में कितने हैं, दोनों में 33 डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब मुझे 100 प्लेस तक इसको क्या करना होगा, राउंड ऑफ करना होगा। तो 100 प्लेस तक मैं इसको राउंड ऑफ कर देती हूँ, 100 प्लेस तक अपन इसको क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, दिस इज 100 प्लेस, मतलब मुझे किसको देखना है, जीरो को। अब जीरो इज देयर तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, और वैसे भी बाय कॉमन सेंस 208 इज क्लोजर टू व्हाट, 200 प्लस व्हाट 436, अगेन 436 वैसे भी इज क्लोजर टू 400, पर नहीं भी 3 से भी अगर देखें हम तो 3 इज स्मॉलर, 3 छोटा है, 1 2 3 4 फर्स्ट वाले ग्रुप में आ रहा है, यानी कि कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, तो 4 वुड रिमेन एज इट इज और ये 0 ऐसे कैसे हो जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा कितना हमारे पास 600, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 600। सिमिलरली यहाँ पर अपन एडिशन वाला यहाँ पे कर लेते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन का बाद में करते हैं। सो दिस इज 67, मतलब दो डिजिट है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे टेंथ प्लेस तक जाएगा, तो इसमें भी टेंथ प्लेस तक ही मैं देखूंगी। टेंथ प्लेस तक देखने का मतलब ये है कि मुझे यूनिट प्लेस वाले को देखना पड़ेगा कि वो क्या नंबर है, राइट। यहाँ पे क्या है, 6 है, दैट मीन्स देयर हैज टू बी अ कैरी फॉरवर्ड, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा, राइट। और यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी कैरी फॉरवर्ड होगा, राइट, क्योंकि 7 है इन द सेकेंड ग्रुप, तो ये कितना हो जाएगा, 67 वुड बिकम व्हाट, 67 वुड बिकम 70, 67 जो है वो हो जाएगा 70 प्लस 456। अब 456 में टेंथ प्लेस तक हो रहा है, 4 एज इट इज रहेगा, 56 के अंदर ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 0 एंड 13 एंड 530, ठीक है। तो ये मेरा आंसर कितना आ गया, 530, इसका एडिशन का आंसर आ गया 530। अब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं फ्रॉम दिस, मतलब 635 में से 547 आपको सब्ट्रैक करना है, तो सबसे पहले अपन 635 को व्हील चेंज, तो 635 कितना हो जाएगा, अपन को 100 प्लेस तक करना है इसको क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ डिजिट सेम है, तो 635, सो आई एम सपोज टू सी टेंथ प्लेस वाला डिजिट, अब 3 है यहाँ पे, यानी कि कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं, इसका मतलब ये कितना हो गया 600, राइट। और यहाँ पे 547, अगेन मुझे टेंथ प्लेस देखना है, 4 है, फिर कोई चेंज नहीं, मतलब ये हो गया 500, तो व्हाट आई एम सपोज टू डू, सब्ट्रैक्ट मुझे क्या करना है, 600 माइनस 500 कितना मिला मुझको, 100, ठीक है, ये इस तरह से इसका एस्टिमेशन हो गया। नेक्स्ट इस वाले को करते हैं अपन, इसको देखते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज 3 डिजिट, 3 डिजिट है मेरे पास, यानी कि ये होगा 100 प्लेस तक, यहाँ पे 4 डिजिट है, यानी कि ये भी होगा 100 प्लेस तक, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट देख रहे होते हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है, क्वेश्चन में दिया है तो वी विल डू इट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओनली। अगर यहाँ पे दिया होता कि एड एंड सब्ट्रैक्ट टू नियरेस्ट 10 प्लेस,
तो अब मुझे सब में टेंथ प्लेस तक ही करना पड़ता है, नो मैटर कि वो थाउजेंड्स तक है या हंड्रेड तक है या दोनों में हंड्रेड तक है, तो भी डजेंट मैटर, आई विल हैव टू राउंड इट ऑफ टू टेन ओनली, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, इफ इट इज नॉट गिवन देन हम हाईएस्ट जो नंबर ऑफ डिजिट्स है उस अकॉर्डिंग, मतलब नॉट हाईएस्ट, जो कम डिजिट वाला है उसके अकॉर्डिंग मुझे इसको राउंड ऑफ करना होगा. सो नाउ दिस वुड बिकम व्हाट, ये भी हंड्रेड प्लेस तक हो जाएगा. हंड्रेड प्लेस तक चेक करने के लिए मुझे किसको चेक करना होगा, टेंथ प्लेस वाला जो नंबर है सेवन है, यानी कि कैरी हो गया. सो दिस बिकम थ्री थ्री एंड जीरो जीरो, यहाँ पे अगेन इट इज फोर, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा. सो दिस बिकम्स व्हाट, हंड्रेड, कोई कैरी चेंज नहीं, कोई कैरी नहीं हो रहा होगा, चेंज तो होगा बट कैरी कुछ नहीं हो रहा होगा. अगेन इफ वी सी 145 इज 149 इज क्लोजर टू 100 देन टू 200. सो लेट्स सब्ट्रैक्ट दिस, क्योंकि फ्रॉम है तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा. सो वी गेट 30 to 100 एज आर आंसर. ये अपना एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, कि एस्टिमेशन के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन इस तरह से हो रहा होता है, ये हमें बात ध्यान रखने की है. इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? ठीक है, आगे करते हैं अपन. नेक्स्ट नेक्स्ट इज ऑफ प्रोडक्ट. अगेन अब प्रोडक्ट के अंदर भी क्या, इसके अंदर क्या होगा, प्रोडक्ट एंड कोशेंट, मतलब प्रोडक्ट एंड डिविजन दोनों के अंदर सेम लॉजिक चलेगा. इसके अंदर क्या होगा, अगेन द सेम थिंग, कि क्वेश्चन में अगर गिवन है टेंथ प्लेस और हंड्रेड प्लेस तक आपको प्रोडक्ट निकालना है या डिविजन करना है, तो आपको मतलब राउंड ऑफ करना है, देन यू आर सपोज टू फाइंड आउट द मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन. तो यू विल हैव टू डू इट अकॉर्डिंग टू दैट ओनली एज पर द क्वेश्चन, एंड इफ इट इज नॉट गिवन तो फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी आपको नंबर ऑफ डिजिट्स है उसके हाईएस्ट प्लेस तक, राइट. तो जैसे यहाँ पे टू डिजिट है, यहाँ पे अगर टू डिजिट है तो ये टू डिजिट मतलब टेंथ प्लेस तक ही रहेगा. हाईएस्ट हाईएस्ट नंबर, लेट से इफ आई टुक 468 मल्टीप्लाइड बाय 22, ठीक है, आई टुक दिस 468 मल्टीप्लाइड बाई 22. अब इसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे कम है तो टेंथ प्लेस तक है तो इसके अंदर भी टेंथ प्लेस तक होगा, नहीं. अब इसका हर एक नंबर का इंडिविजुअल एस्टिमेशन निकलेगा, इंडिविजुअल एस्टिमेशन निकलेगा. मतलब अगर 468 है तो 468 का 100 प्लेस तक हाईएस्ट एस्टिमेशन है, तो इसका कितना हो जाएगा, दिस विल बी प्लस वन, तो दिस बिकम्स 500. और यहाँ पे टेंथ प्लेस तक है तो यहाँ पे कोई आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं है, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 20 एंड देन आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी इन द प्रोडक्ट. मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स डजंट मैटर, जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स है इंडिविजुअल नंबर का जो हाईएस्ट फॉर्म है, हाईएस्ट जो प्लेस वैल्यू है, वहां तक आपको उसको मल्टीप्लाई कर, मतलब वहां तक आपको एस्टिमेट कर देना है उसको, ठीक. दिस इज 38 एंड 47, राइट. सो अब 38 का भी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस वन हो रहा है. यहाँ पे सेवन को देखना है क्योंकि टेंथ प्लेस तक है, हाईएस्ट वही है, तो यहाँ पे भी प्लस वन होना है. दिस बिकम्स हाउ मच 40, दिस बिकम्स हाउ मच 50. सो अब मुझे बेसिकली क्या करना है, 40 into 50 विच इज वॉट 2000, ठीक. अब यहाँ पे दिस इज टेंथ प्लेस एंड दिस इज हंड्रेड प्लेस, तो टेंथ प्लेस वाले का मैं टेंथ प्लेस वाले तक कर दूंगी. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा बिकॉज दिस इज एट, सेकेंड ग्रुप में आता है, तो कितना हो गया ये 30 हो गया. और यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना है, हंड्रेड प्लेस तक है, हंड्रेड प्लेस तक है, मतलब आई एम सपोज टू सी वॉट, टेंथ प्लेस वाला नंबर विच इज वन, तो यानी कि चेंज नहीं, मतलब कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा होगा. दिस नंबर वुड बिकम वॉट 100. अब क्या हो जाएगा इसका, बेसिकली मुझे क्या करना होगा, 30 into 100 3000, ये हो गया प्रोडक्ट. क्वेश्चन में भी इसी तरह हो रहा होगा, एक्चुअली पूरा के पूरा ऐसा ही हो रहा होगा, मतलब जब आप डिवाइड करेंगे तो डिविजन में भी सेम प्रोसीजर लगेगा. लेट्स सी, तो देखो यहाँ पर भी दो डिजिट है यानी कि टेंथ प्लेस हाईएस्ट, और यहाँ पे तीन डिजिट है, यहाँ पे दो है, तो इसका हंड्रेड प्लेस लेंगे, इसका टेंथ प्लेस लेंगे, राइट. इस वाले नंबर का हंड्रेड प्लेस तक ले रहे होंगे
और इसका टेंथ स्पेस में क्लियर होंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझको गिवन नहीं है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि मुझे हाईएस्ट कहाँ तक करना है, तो मैं ऐसी कई हाईएस्ट फॉर्म ले लूंगी. राइट. तो अब 82 का अपन देखते हैं, 82 टेंथ प्लेस तक आएगा, विच इज व्हाट? डेफिनेटली 80, क्योंकि दिस इज 2 में कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं, 80 एज इट इज. इसके अंदर कैरी फॉरवर्ड होगा क्योंकि 8 है, सो दिस बिकम्स व्हाट, 20. तो मुझे बेसिकली करना क्या है, 80 डिवाइडेड बाय 20. एंड कॉमन सेंसिकली ऑल्सो इफ वी थिंक, इफ वी नो दैट 18 इज क्लोजर देन 20, सो डेफिनेटली 20, एंड 82 इज क्लोजर टू 80, सो वी विल डू दैट एंड वी गेट 4 एज आवर आंसर. राइट. लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ. ये 100 प्लेस तक है, यहाँ पे प्लस 1 होगा डेफिनेटली बिकॉज दिस इज 5 इफ यू रिमेंबर कम्स इन द सेकेंड ग्रुप. सो ये कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स व्हाट, 325. दिस बिकम्स 30. क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी प्लस 1 हो रहा होगा, 5 कम्स इन द सेकेंड ग्रुप, अगेन सेम थिंग. इसको करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा, 300 डिवाइडेड बाय 30. सो दिस गिव्स अस व्हाट, 10 एज द आंसर. राइट. इज दिस क्लियर चिल्ड्रन कि एस्टिमेशन हम लोग कैसे करते हैं? पहले तो एस्टिमेशन का रूल क्या होता है, 1, 2, 3, 4 अगर है, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा जिस प्लेस तक है, जो नंबर जहाँ तक हमें दे रखा है जिस प्लेस वैल्यू तक, वो नंबर एज इट इज रहेगा, उसके बाद के सब जीरो हो जाएंगे. वेर एज इफ इट इज 5, 6, 7, 8, 9, तो इनमें से कोई डिजिट होता है तो फिर एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस 1 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, एंड बाकी के सारे जितने भी नंबर्स हैं वो सब वुड बिकम 0. एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर सबसे पहले तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे. अगर वो नहीं दे रखा है, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो नंबर ऑफ डिजिट, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स लीस्ट है, हम दोनों नंबर्स को या दोनों तीनों या जितने भी 4-5 नंबर जितने भी दे रखे हैं उसमें लीस्ट डिजिट जिसमें भी है, हम पूरे सम को उसी के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करके एड या सब्ट्रैक्ट करेंगे. वेर एज प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं होता. फर्स्ट थिंग इज सेम कि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे, नहीं दे रखा है तो फिर हम हर एक इंडिविजुअल नंबर को उसके हाईएस्ट प्लेस वैल्यू तक राउंड ऑफ करके उसका आंसर निकाल लेंगे. राइट. ये बेसिक डिफरेंस होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिविजन के एस्टिमेशन के अंदर. सो आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि बहुत माइनर डिफरेंसेस होते हैं और थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, पर जब हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं वो आसान हो जाएगा. आई होप कि आपने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है. राइट. फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है क्योंकि इसके बाद अब मैं सेकंड एक्सरसाइज को आपको होमवर्क देने वाली हूँ. राइट. तो फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे यू विल हैव टू राउंड अप, वहाँ आप कर लेना. ठीक. एंड होमवर्क इज टू बी सबमिटेड इन गूगल क्लासरूम. गूगल क्लासरूम का मैं आपको जो भी फोल्डर है उसका नाम मैं आपको दे दूंगी. ठीक है. वहाँ पे आप लाइक वेन एवर यू परचेज इट, जब भी आप परचेज करेंगे इसको मॉड्यूल्स को, तो you will get the SS there and you will be able to submit your homework which I'll be checking. Right? Is this clear, children? So let's move forward. Let's do few questions. अब ये क्या बोलता है? Round each of the following numbers to the nearest 1000. Now it has given, it has already given in the क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में उसने दिया है कि नियरेस्ट 1000 तक मुझको इन सब को चेंज करना है, मतलब राउंड ऑफ करना है. सो नियरेस्ट 1000 मीन्स देयर हैज टू बी अ 1, यहाँ पे एक 1 होगा. सो दिस इज बेसिकली व्हाट, 1000 तक है मतलब मुझे 100 प्लेस तक देखना है. 100 प्लेस तक अगर देखना है सो दिस इज 7 मीन्स एक प्लस 1 हो जाएगा ऐड, तो ये नंबर कितना हो जाएगा, 2, एंड बाकी के सारे नंबर्स वुड बिकम 0. नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट नंबर को, यहाँ पे 8 है, देर इज 8 है, अगेन प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 वुड बी देयर, तो दिस बिकम्स व्हाट, 5000. नेक्स्ट इन दिस देर आर 5 डिजिट्स, मतलब ये कहाँ तक है, 10,000 तक है हाईएस्ट इसका फॉर्म, लेकिन हमें 1000 तक करना है. सो वी विल बी बॉदर्ड अबाउट जस्ट दिस नंबर विच इज ऑन द 100 प्लेस, रेस्ट वुड बी सेम. मीन्स जो 10,000 प्लेस पर है 1 एज इट इज रहेगा, 7 है तो यानी कि कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो दिस बिकम्स व्हाट, 7. बाकी के डिजिट्स क्या हो जाएंगे, 0. एंड ऑब्वियसली वी कैन सी 16,719 इज क्लोजर टू 17,000. नेक्स्ट अगेन 2 एज इट इज लिख दिया, उससे हमें मतलब नहीं, क्योंकि 1000 प्लेस तक करना है तो मैं 100 प्लेस वाले नंबर को देखूंगी, उस अकॉर्डिंग इसके अंदर चेंज होगा. सो दिस इज 2800, मतलब 28.
एंड बाकी के तीनों डिजिट्स जीरो हो जाएंगे. क्यों? बिकॉज दिस कम्स इन द फर्स्ट पार्ट वेयर देयर वोंट बी एनी कैरी ओवर. कैरी कुछ नहीं हो रहा होगा, मतलब एडिशन ऑफ वन नहीं हो रहा होगा. नेक्स्ट इज एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 100. अब वो बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में उसने दे रखा है कि 100 प्लेस तक आपको इसको एस्टिमेट करना है. तो सबसे पहले आई विल चेंज दीज टू 100 प्लेस. ठीक है, 100 प्लेस तक हम इसको करेंगे, मतलब मुझे टेंथ प्लेस वाले नंबर को देखना है. राइट, टेंथ प्लेस वाले नंबर को अगर मुझे देखना है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एड हो गया, कैरी हो गया, क्योंकि दिस इज 8 है. 3 रिमेन्स एज इट इज, यहाँ पे 2 की जगह पे आ गया 3, बाकी दोनों नंबर्स हो गए 0. नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, 100 प्लेस तक है, अगर 9 को देखना है मुझे, प्लस 1 हो गया यहाँ पर भी. 4 रिमेन्स एज इट इज क्योंकि 1000 प्लेस पर है, दिस बिकम्स 4 एंड डबल 0, 4400. नेक्स्ट अगेन द सेम थिंग, इसको ऐड कर देते हैं अपन, दिस बिकम्स 7700. ठीक, नेक्स्ट अब इसको देखते हैं, 100 प्लेस तक है, 10 प्लेस वाले को देखना है, 3 है, इसका मतलब कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा. 5 एज इट इज, 1 एज इट इज रहेगा, 2 0 ऐड हो गए. फिर उसके बाद 10 प्लेस को देखा, 1 है, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं, 1 और 4 एज इट इज, चेंज नहीं होगा इसके अंदर, और बाकी के दोनों डिजिट 0 हो गए. इसको मैं ऐड कर लूँगी तो कितना हो जाएगा, 6 एंड 5, 6500. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर भी मुझे 100 प्लेस वाले में चेंज करना है. तो 10 प्लेस वाले को देखा, इट इज 8, डेफिनेटली देयर इज अ कैरी फॉरवर्ड हियर. 10 एज इट इज रहा, यहाँ पे 0 की जगह हो गया 1 एंड बाकी के दोनों डिजिट्स हो गए, बिकॉज 10,083 वुड बी क्लोजर टू 10,183 इज क्लोजर टू 100. प्लस यहाँ पर भी मुझे सेम चीज देखनी है, 100 तक है ना, सो 29 वुड रिमेन एज इट इज, 29 एज इट इज रहेगा, 8 में यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो दिस बिकम्स 4 एंड बाकी के दोनों डिजिट्स हो जाएंगे 0. दिस इज अप टिल 100 प्लेस वैल्यू, 100 प्लेस वैल्यू तक हमने इसको वो कर दिया है, राउंड ऑफ. अब मुझे इसको ऐड करना है, सो दिस गिव्स मी 0 0 एंड 4 एंड 5, दिस इज 9 एंड 3, 39500, राइट, यही आएगा 500 एंड 3 एंड 9, करेक्ट, राइट. तो ये राउंड ऑफ कर दिया हमने. नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपन, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. अब दे हैव नॉट गिवन अप टिल व्हाट प्लेस वैल्यू, उन्होंने नियरेस्ट कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे, मतलब इंडिविजुअल डिजिट्स के अकॉर्डिंग करेंगे. सो दिस 38 बिकम्स व्हाट, 38 का कितना हो जाएगा, 38 वुड बी अगेन 40 हो जाएगा इसका, तो मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि दिस इज नियरेस्ट 10, इसको करेंगे हम नियरेस्ट 100 तक, दिस बिकम 600, 6 4 24,000 तक हो गया. ठीक, दिस इज 9, तो 9 बिकम्स व्हाट, 10, 9 बिकम्स 10, दिस इज क्लोजर टू 10, एंड यहां पे दिस बिकम्स 900, तो ये कितना हो जाएगा, next इसको करेंगे अपन, दिस विल बी अप टिल 100 प्लेस, 100 प्लेस वैल्यू तक है, तो दिस इज 900 मल्टीप्लाइड बाय 200, 18 हो गया, बाकी के जितने भी जीरो हैं वो सब एनेक्स कर दिए इसके अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्टिमेट द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इसको करेंगे अपन, अब 81 वुड बिकम व्हाट, 80 एंड 87 वुड, सॉरी 17 वुड बिकम 20, दिस बिकम्स 4, ये तो हमने एज इट इज किया ही था. नेक्स्ट दिस वुड बी राउंडेड ऑफ टू 1000 प्लेस, तो दिस बिकम्स 8000 डिवाइडेड बाय 400, क्योंकि 6 है यहाँ पे,
तो कैरी फॉरवर्ड हो गया ही सही, वन कितना हो गया ये 20, इसका आंसर आ गया 20। नेक्स्ट इज एस्टिमेट एंड कंपेयर विद द एक्चुअल सम, यानी कि अब आपको क्या करना है, इसको एस्टिमेट करना है अप टिल वट एवर प्लेस वैल्यू इट इज, और फिर आपको इसको एक्चुअल सम से कैलकुलेट करना है। दिस यू आर सपोज टू डू, ये आपका होमवर्क है, राइट। देन आई विल टेल यू द आंसर इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसका आंसर दे दूंगी आपको, बट अभी के लिए आपका होमवर्क है। आई होप यू लाइक द वीडियो, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग, एंड प्लीज गिव योर फीडबैक। थैंक यू सो मच, बाय बाय।